हेलो नमस्कार, किशोर साउन और कैबिनेट में आज एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। आज हम लोग बात करेंगे साउंड बॉक्स में अंदर से फॉर्म लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, समझ गए। अगर लगाया जाना चाहिए तो कौन सा फॉर्म लगाने से साउंड क्वालिटी बेस्ट मिलती है और नहीं लगाने से क्या होती है, ठीक है। आज हम इस टॉपिक पर विस्तार रूप से बात करेंगे। मैं आपको एक दो तो अपने फॉर्म का मैंने प्रोडक्ट दिखाऊंगा एक्चुअली होता कैसा है, ठीक है। इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए अगर मेरा चैनल को आप लोग पसंद लग रहा है तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करके रख दीजिएगा, क्योंकि जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को सबसे पहले मेरा वीडियो आप लोग के पास आएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे अधिक बिक्री होने वाला एक फॉर्म मिलता है जिसको हम लोग ग्लास वूल कहते हैं। जैसे कि ग्लास वूल को मैं आपको दिखाता हूं भाई, ग्लास वूल होता कैसा है। देखिए ये रहा ग्लास वूल, ठीक है। देखिए ये इससे डस्ट निकल रहा है, देखिए दिख रहा होगा, इससे डस्ट निकल रहा है, हिलाने से भी डस्ट निकल रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से बात करेंगे। अगर यहां पर पूरा गंदा हो जाएगा इसीलिए मैं अभी इसको छोड़ देता हूं। अगर हम लोग ग्लास वूल लगाते हैं, जैसे दिल्ली तरफ मार्केट में बहुत सारे बंदे ग्लास वूल यूज करते हैं। ग्लास वूल भी दो प्रकार के होते हैं या तीन प्रकार का होता है, ठीक है। ग्लास वूल भी दो तीन प्रकार के होते हैं। एक भी ये एक तो हल्दी कलर का या येलो कलर का टाइप, येलो टाइप येलो है, और एक व्हाइट टाइप का होता है। मैंने कोई भी कलर हो लेकिन ग्लास वूल होता है, समझ गए, ठीक है। ये ग्लास वूल आपको लगाना नहीं चाहिए, ये ग्लास वूल आप लोग भूल से भी मत लगाना, ठीक है। इसको मैं नीचे रख देता हूँ। अब बात कहाँ पर पहुँचा, ग्लास वूल लगाने से लॉस क्या है कि फायदा क्या है। अगर हम लोग ग्लास वूल लगाते हैं ना, जब कभी नया में तो कुछ नहीं होता, खैर छोड़ दीजिए, पुराना होने के बाद में उससे डस्ट निकलता है। जैसे अभी ये पुराना माल था, इससे डस्ट निकल रहा है, आपको मालूम चल रहा होगा, ये डस्ट निकलता है। डस्ट निकलने से हम लोग का स्पीकर का वॉइस कॉल का अंदर में कौन का अंदर में उसका डस्ट चला जाने से आपका स्पीकर में साउंड क्वालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूँ, आप लोग ग्लास वूल न लगाए, ठीक है। अब सेकेंड बात आया फाइबर वूल, ठीक है। आप लोग को समझ आ रहा होगा फाइबर वूल कैसा होता है, समथिंग ऐसा होता है फाइबर वूल, इससे डस्ट नहीं गिरता है, ये बहुत अच्छा होता है। इससे डस्ट एक 1% भी डस्ट नहीं निकलता है, क्योंकि फाइबर वूल जैसे कि आप लोग को मालूम चल रहा होगा ये प्लास्टिक से बनता है, समझ गए। हम लोग को आप लोग को अगर सस्ता भी लगाना हो, फाइबर वूल भी ग्लास वूल से थोड़ी सी महंगी आती है, मैंने कॉस्टली है, किंतु बहुत अच्छी है, इससे डस्ट नहीं गिरती है। आपको ये लगाने से लॉस क्या है, फायदा क्या है, मैं आप बोल दूंगा। इसका थोड़ा सा रेट अधिक है, यही एक लॉस है, और इसको लगाने से आपका साउंड में इससे डस्ट नहीं निकलेगा तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा। ग्लास वूल का मुकाबले फाइबर वूल मैंने साउंड बॉक्स के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। हम लोग भी और क्वालिटी का होता है, लेकिन हम लोग उतना क्योंकि उतना सस्ता में माल बिक्री करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन अभी काफ़ी बढ़ गया है, इसीलिए हम लोग फाइबर वूल लगा के बिक्री करते हैं, ठीक है। ये फाइबर वूल, ठीक है, इससे डस्ट नहीं निकलता है, डस्ट नहीं निकलने से स्पीकर में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, साउंड अच्छा बजेगा। अब इसको भी नीचे रख देते हैं। और एक प्रकार के विशेष करके ये दिल्ली और कलकत्ता तरफ में ये भी मिलता है, ये जो इसको जूट भी बोला जाता है, जैसे एक भाषा में देख लीजिए जूट, ये 1 इंची मोटाई होती है। इसकी देखिए अभी कितना डस्ट गिर रहा है, देखे देख ले आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा डस्ट कितना गिर रहा है, समझ गए। आप लोग को ये माल भी मैंने जूट वाला भी नहीं लगाना है, क्योंकि जिस चीज़ से अगर डस्ट निकलता है ना वो लगाने से, अगर नया में तो कुछ नहीं होगा भाई, लेकिन पुराना होने के बाद में आपका स्पीकर का वॉइस कॉल के अंदर में या कोन के अंदर में अगर डस्ट चला जाए तो स्पीकर 0/0 हो जाता है, सिंपल बोले तो हिंदी में। और एक प्रकार का फॉर्म मिलता है स्कोरी का, ठीक है, स्कोरी का एक फॉर्म मिलता है, अभी मेरे पास नहीं है, थोड़ी सी कॉस्टली आती है। अगर आप लोग को मिला तो स्कोरी का फॉर्म आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आप लोग को अभी जैसे कि नहीं समझ आ रहा हो, आप लोग नेट में सर्च कर सकते हो स्कोरी का फॉर्म होता क्या है, उसका फोटो शोटो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैं उतना किया नहीं, क्योंकि आप लोग काफी समझदार बन गए हैं, आप लोग खुद नेट में सर्च कर सकते हो। अब बात कहां पर पहुंचा है, अगर हम लोग जूट
फाइबर वुल, ग्लास वुल, स्कोरी का फॉर्म नहीं लगाने से क्या होगा? ठीक है, आप सभी को मालूम है साउंड बॉक्स जब कैबिनेट में लगता है, दो साउंड बॉक्स या एक स्पीकर साउंड बॉक्स में जब लगता है उससे एक तो ध्वनि तरंग पैदा होता है, ये सभी को मालूम है। ये क्लास नर्सरी में पढ़ना पड़ता है, सिंपल बात। अगर साउंड साउंड का स्कूल में, ये क्लास नर्सरी में पढ़ना पड़ता है, सिंपल बात। ठीक है, जैसे कि साउंड ध्वनि तरंग निकलता है, वहाँ से एक वाइब्रेशन कुछ निकलता है, उसका थोड़ा सा साउंड पीछे जाने से थोड़ा सा साउंड आगे भी जाता है, थोड़ा पीछे जाता है। ये आप लोग को वीडियो में बहुत सारे बंदे, बड़े बड़े यूट्यूबर सब बोलते हैं, पीछे जाने का फंडा, आगे जाने का फंडा, स्पीकर हल्का सा पीछे साउंड देता है। ठीक है, ये सभी को मालूम है। लेकिन जब स्पीकर पीछे साउंड दे, जब पीछे बेस मारता है ना, जब पीछे बेस देता है स्पीकर का, पीछे में बेस मारता है, तब हम लोग को ओनली फॉर प्लाईबोर्ड, अंदर में तो प्लाईबोर्ड का होता है, अगर प्लाईबोर्ड, केवल प्लाईबोर्ड लगाएंगे तो एक प्रकार का वो टकराव हो जाता है। ठीक है, टकराव होने का, उसको सिंपल भाषा में बोले तो, अगर वैज्ञानिक भाषा में या साउंड का भाषा में बोले तो, एक प्रकार का नॉइस बन जाता है। ठीक है, और नॉइस को, और नॉइस को क्या बोलते हैं उसको, कोलिब्रेशन, कोलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, माने हम लोग का साउंड का भाषा में ये कोलिब्रेशन को कम करता है। जैसे कि आप लोगों को कोलिब्रेशन करने का मतलब क्या समझाइए, जैसे कि साउंड बॉक्स जब कभी बजता है ना, साउंड बॉक्स बजने से एक प्रकार का माने साउंड को अंदर की तरफ एग्जॉप्ट करता है। ठीक है, उसको माने उसको टकराने से बचाता है, उसको क्या बोलते हैं, अभी छोड़िए, आप लोग को समझ आ रहा होगा, आप लोग को मैं क्या आप लोग को समझाने चाह रहा हूँ। इसीलिए भाई हम कभी भी यूज करो तो ओ स्कोरी का फॉर्म यूज करो, अगर आप लोग कभी जूट यूज करो तो फाइबर जूट माने फाइबर वुल यूज करना। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैं आपको प्रैक्टिकल, मेरे पास तीन चार हम लोग यूज करते हैं, सस्ता वाला कैबिनेट बिक्री करना पड़ता है, महंगा वाला कैबिनेट बिक्री करना पड़ता है, इसीलिए। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके रखना। अगर अगर आपको मेरी वीडियो फर्स्ट में देखना हो तो बेल बटन ऑन करके रखना, क्योंकि आपका मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही भाई, दूसरा वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।